अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत होंगे, सब मजे में होंगे। गोरी ना ब्याह करना ही, जर्मनी दे पेपर लेने आ जाओ, फिर तुहानू मैं दसा। जल्दी ना पहले चैनल नू सब्सक्राइब कर दो, बैल आइकन नू जरूर प्रेस कर दो ताकि नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक जरूर पहुँचती रहे। तो यार, जर्मनी में पेपर मैरिज करने का ईजी तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप हुण ये नहीं समझना कि उत्थे पेपर वो जड़े पेपर नहीं होंगे कि भी तुम कहने के साथ सेंटर जर्मनी च बनना वा, ये गल नहीं हैगी बेटे। जर्मनी के पेपर मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये भी हरकत नहीं करनी, ये जस्ट एक सिंपल शादी होंगी। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किए हैं, ये पूछा है कि पेपर मैरिज जर्मनी में क्या होती है। पेपर मैरिज जर्मनी में 2 से 3 किस्म की होती है। पेपर मैरिज इधर कुछ लेडीज मिल जाती हैं जो यूरोपियन है या जिन्होंने आके जर्मनी में पेपर चेंज किए हैं। अगर आप जर्मन किसी भी औरत से शादी करते हैं तो आप 3 साल तक उसके साथ रहें, 3 साल के बाद, मैं कह रहा हूँ 3 साल के बाद उससे लैगदगी इख्तियार करेंगे तो जर्मन अदालत में आपकी डाइवोर्स हो जाएगी, लेकिन आपको वीज़ा जो है वो पक्का मिल जाएगा। अगर 3 साल से जल्दी आप अलीहदगी इख्तियार करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका मिला हुआ वीज़ा भी ख़राब हो जाएगा, बोस जाएगा। समझ आ रही कि अगर आप 3 साल से पहले आपका ब्रेकअप हो जाता है किसी वजह से भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर जो पेपर मैरिज है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, इसमें पैसा, अगर पैसे का लेन देन होता है, जो औरतें जिनके पास जर्मन पेपर हैं वो कुछ औरतें, सब नहीं, चंद चंद औरतों का नाम सुना है बल्कि कि उनके बारे में कि कुछ ऐसी औरतें मिल जाती हैं 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000 तक भी रेट है इसका, कि जिन लोगों के केस पास नहीं होते, जिनका कोई भी कानून में इमिग्रेशन में उनका नहीं होता, क्योंकि जर्मन में इमिग्रेशन बहुत टफ खुलती है, अगर खुल जाए इटली वगैरह में जैसे आते हैं ऐसा नहीं होता, तो इसलिए फिर कुछ लोगों को जब केस पास नहीं होता तो पेपर मैरिज करनी पड़ती है। पेपर मैरिज नॉर्मल तो अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए तो वो 2 नंबर है, अगर आप साथ रह नहीं रहे ओरिजिनल तरीके से तो उनको पता चल जाए तो वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आप पेपर मैरिज ऐसे होती है कि आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ये मेरा इतने साल, मेरा इतना आपके साथ तय हो गया, 10,000 या 15,000 या 20,000 यूरो जितना भी हर माह उसको पे करना है, या हर माह पे कर दें, या एक किस्त में कर दें, या 2 किस्त में कर दें, या 3 किस्त में कर दें, जैसे आपको, मतलब वो आपका अपना तरीकेकार होता है कि आप कैसे पे कर सकते हैं और जो सामने वाला बंदा है वो कैसे सेटिस्फाई होता है आपसे। पेपर मैरिज करने का ये है कि जब पेपर मैरिज हो जाती है ना, उसके बाद आपको पहला वीज़ा मिल जाता है, उसके फिर आपको 2 साल का 3 साल का, फिर आपको 5 साल का या फिर फॉरएवर भी मिल सकता है। फॉरएवर के लिए आपको फॉरएवर टाफी खानी होगी, नहीं आपको एक, आपके पास एक जुबान का सर्टिफिकेट हो, पेपर मैरिज है। ये पेपर मैरिज में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हर में उसको पे करते हैं जितना आपका तय हो गया है, 5,000 या 10,000 या जितना भी आपने 3 साल में पे करना है या 2 साल में, या जो सामने वाला है वो तय करती हैं कि नहीं आप मुझे महीने का 200 दें, या डिवाइड कर लेते हैं ना वो 15,000 यूरो भी, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 10,000 यूरो हमें शुरू में स्टार्ट में दें, बाकी आप थोड़े थोड़े करके दें, या जैसे भी उन, कुछ ऐसी होती हैं जो कहती हैं आपने मुझे पहले 10,000 यूरो दें, आप बाकी का मुझे आप किस्तों में दे दें। ये पेपर मैरिज में ऐसा होता है कि आपने 3 साल उसके साथ रहना है, 3 साल के बाद जब आपको ओपन वीज़ा मिल जाए, ओपन वीज़ा खुला होया, फिर आप देखें कि फिर आप अलीहदगी इख्तियार कर सकते हैं, फिर आप जर्मन अदालत में आपकी अलीहदगी हो जाती है, उसके बाद आप ओपन वीज़ा लें, कन्फर्म करें, उसके बाद आप अपने मुल्क में किसी भी जगह पे शादी कर सकते हैं, बच्चों को बुला सकते हैं, और ये कार्रवाई होती है। लेकिन जो पेपर मैरिज है ये 2 तरह की होती है, एक तो कहीं और, कई औरतें हैं वो कहती हैं कि चलो ठीक है आप शादी करोगे तो हमारे साथ रह भी सकते हैं, कई लोग उसके साथ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है उनके साथ गुजारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेपर मैरिज कर ली, रहना उसके साथ नहीं है, मैं लोगों पर पता नहीं ऐसी होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, उसने जो 15,000 यूरो लेना है वो लेना है, जो आपने घर लिया है एग्रीमेंट घर का आपके नाम होगा, आपकी वाइफ के नाम होगा, जो पेपरों में आपकी वाइफ होगी, आप दोनों उधर रहेंगे, लेकिन घर का किराया आपने पे करना है, तो उसमें रहेगी वो, आप कहीं दोस्तों के साथ रहेंगे, ऐसे होता है, क्योंकि काफी सारे केस इधर हैं, रहेंगे लहदा लहदा लेकिन पेपरों में सेम होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। वो सिर्फ वीजा लेने के लिए होती है और कुछ नहीं होता, जब आपको वो
शो ये होगा कि वो आपके साथ रह रही है लेकिन वो आपके साथ रहेगी नहीं। जब आपको वीजा मिल जाएगा, पहला वीजा मिलना मुश्किल होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर उनको पता चल जाता है कि नहीं यार ये असल में मियां बीवी हैं, फिर आपको खुला वीजा मिल जाता, मतलब कि ओपन वीजा मिल जाता है, फिर आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे होता है कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि ठीक है आप मुझे पैसे पे करें कि अब मैं आपके साथ रहती हूँ। वो उनका सही मियां बीवी वाला तलक होता है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो औरत आपको सही तरीके से वीजा लेके देती है। वो भी सेम वही होता है जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि आपको ओपन वीजा मिल जाएगा, आप मुझसे अलहदगी इख्तियार करें, फिर वो नया क्लाइंट ढूंढ लेती हैं। ऐसे होता है, एक होती है, और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक होता है कि अगर आपने जर्मन औरत, चाहे वो यूरोप से कई मुल्क से आके, क्योंकि जर्मन से ये पुर्तगाल वगैरह, लीबिया, ये हंगरी, इटली, स्पेन, इधर से कई लोग आते हैं, वो आके जर्मन में आके अपने पेपर चेंज करते हैं, वो पेपर चेंज करने के बाद जर्मन पेपर हो जाते हैं, उसके बाद वो शादी करके किसी को वीजा लेके दे सकते हैं। कहीं ऐसे भी होता है कि जब आप शादी नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शादी नहीं होती लेकिन आपका एक बच्चा हो जाए, बेबी हो जाए। जर्मन का ये लॉ है और कानून है कि चाहे आपकी शादी हुई है पेपरों में या नहीं हुई, आपका निकाह हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कानून ये है कि आप जब आपका एक बेबी पैदा हो जाता है ना, तो आपको वीजा उसकी बेस पर मिल जाएगा, चाहे वो आप उसके साथ ना रहें। लेकिन जब बच्चा हो जाएगा, बच्चे का डीएनए होगा, आपका डीएनए होगा, और उस बेस पे एक आपको वीजा मिल जाएगा, एक बाप को वीजा मिल जाएगा, समझ लेंगे। जब आप अदालत में केस, बाकी तो जो अगर आप साथ रह रहे हैं तो आपको इजीली वीजा मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, आपकी अलहदगी हो गई है लेकिन आपका बच्चा है, आपका बच्चा होगा, केस फाइल करेंगे, बच्चे की माँ के पास जर्मन पासपोर्ट है, बच्चे के पासपोर्ट है, तो मुझे भी वीजा चाहिए। लेकिन आप अदालत में केस फाइल करेंगे, केस फाइल करने के बाद वो अदालत आपकी आपको सुनेगी, आपका क्या मसला है, आप कहते हैं कि हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा बच्चा पैदा हुआ है लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है, तो मैं चूंकि मेरा बच्चा है इधर जर्मनी में पैदा हुआ, तो मैं इसकी बेस पे सारी जिंदगी जर्मन में रहना चाहता हूँ, तो मुझे पेपर मिले, पेपर दें मुझे। वो फिर अदालत आपको सुनती है, हैंड फ्री ला के सुनती है, फिर वो कहते हैं कि इसका डीएनए कराएं, बच्चे का डीएनए होगा, माँ का जरूरी नहीं है, बाप का और बेटे का होगा, लेकिन माँ का भी हो जाता है वो, आप अगर वो आपका बच्चा है तो आपको इस बेस पर अदालत फैसला करेगी कि ठीक है, क्योंकि ये बच्चे का बाप है, क्योंकि ये अब जर्मन में ही रहेगा, तो उस बेस पर आप अदालत एक फैसला करेगी जिसकी वजह से इनके जो दफ्तर हैं उनसे आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर आप काम करें, वीज़ा लें, काम करें, पहले साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 5 साल का, फिर आपको फॉर एवर, जिसे ओपन वीज़ा भी कहते हैं, खुला वीज़ा भी कहते हैं, पक्का वीज़ा भी कहते हैं, जी पक्का वीज़ा मिल गया कहते हैं पंजाबी जी, कहते वो फॉर एवर होता है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, ले सकते हैं आप नेशनैलिटी। ये लॉ है कि अगर आपका बच्चा जर्मनी में पैदा हो गया, आप 8 साल बाद आप नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। अब ये बात रही कि आपने बच्चे को खर्चा क्या देना है, आपने तकरीबन अराउंड अबाउट 225 यूरो 18 साल तक उस बच्चे को पे करना है। अगर आप काम नहीं करते, आप तुसी हड हराम हो, तुहानू वीज़ा मिल गया, आप जॉबलेस हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आपने पे नहीं करना, वरना जब भी आप काम करेंगे, जिस टाइम भी आप काम करेंगे, आप फी बच्चे को, अगर एक बच्चे को उसको 225 यूरो 250 यूरो तक के राउंड अबाउट है, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हिसाब है, आपने 225 यूरो फी बच्चा आपने पे करना है 18 साल तक। 18 साल के बाद जब वो अडल्ट हो जाएगा फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वरना एक बात याद रखें, जब भी आपकी अलहदगी होगी आपको वीजा मिल जाएगा, आप नेशनैलिटी लें और मौजे मारें, लेकिन आपको 18 साल तक 225-250 यूरो हर माह पे करना है, और जरूर करना। उसमें एक चीज है कि अगर आप काम नहीं करते, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, एनी वन रीजन, मसलन आपके मेडिकली अनफिट हो गए, फिर आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जब भी काम करेंगे आपसे खर्चा पे करेंगे। पेपर मैरिज का काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया, बार बार किया है, जी इस पे वीडियो बनाएं, बताएं, सानू दसो, मैनू दसो। शायद मैंने इसको कुछ टॉपिक ऐसे डिस्कस किए हैं जो नॉर्मल ना हो, लेकिन मजबूरी के तहत किए हैं कि लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप निकाह के साथ रह रहे हैं, निकाह के बगैर रह रहे हैं, अगर आपका जर्मन वाइफ से बच्चा पैदा हो गया
तो आप वीजे के हकदार हैं, आपको वीजा मिल जाएगा, देना आपको अदालत के थ्रू पड़ेगा, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी तो, लेकिन मिल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन वीजा मिल जाएगा। और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, पाकिस्तानी की अलहदा कैटेगरी है, लेकिन जर्मन की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास जर्मन पेपर है उसके बाद उसके साथ अगर शादी के बाद बच्चा होगा तो आपको पेपर लाजम मिलेंगे। एक होती है पेपर मैरिज, बहुत सिंपल है, पहले ही बता दिया है। एक पेपर मैरिज होती है, एक ईवो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के आपने एक सौदा किया, एक मुआहदा किया है कि आपने वो मुआहदा पूरा होने तक उसको पे करना है, पे किस्तों में करना है, दो में करना है, तीन में करना है, पांच में करना है, ये आपका अपना है या सामने वाले क्लाइंट का, वो आपसे कैसे एग्री होता है या आप उसको कैसे एग्री कर सकते हैं, इधर ऐसे चलता है। और मेरे ख्याल में तो मुख्तसर ये डिटेल थी, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बराए मेहरबानी अगला स्टेप गजू माता। मैं दोबारा बोलूंगा कि यार सही शोगल मजाक नहीं यार, मेरे चैनल नू यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नू प्रेस कर दो। मैं देखो एड्डा मसरूफ बंदा वा, मैं तुहाडे वास्ते टाइम कढ़दा, तुसी मेरे वीर हो, भरा हो, दोस्त हो, सज्जन हो, संगी हो, तुसी अपने चैनल नू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इनू शेयर करो, ठोको फैला दो पूरी दुनिया च, फिर कट्ठे रले वेसू, ये मैं तो गुड सेंदा पियां, रले वेसू, जर्मनी, कनेडा, अमेरिका सारे फिरांगे। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।